आकाश तो होम साइंस एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए रिलायबिलिटी और वैलिडिटी चैप्टर लेकर के आई हूँ और इसके पहले मैं आपको रिलायबिलिटी के बारे में बता चुकी हूँ और आज आपके के लिए वो मैं वैलिडिटी के बारे में बताऊंगी। तो आइए देखते हैं वैलिडिटी के बारे में। तो सबसे पहले वैलिडिटी के पहले मैं आपको थोड़ा सा हिंट देती हूँ, रिलायबिलिटी क्या होती है। रिलायबिलिटी और वैलिडिटी जो होती हैं एक तरीके से टूल्स होते हैं जिनका उपयोग करते हैं रिसर्च में कि कितनी विश्वसनीयता है, कितने अच्छे तरीके से कह सकते हैं कितने सिस्टमेटिक तरीके से शोध किए गए हैं इसको जानने के लिए और कितना उसमें विश्वसनीयता है, कितना सही सही तरीके से डाटा को इकट्ठा किया गया है इनको हम जानने के लिए रिलायबिलिटी और वैलिडिटी का प्रयोग किया जाता है। अब रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है? रिपीटेडली या जो होता है कंसिस्टेंसी, यानी उसको कितनी बार उसको पर रिसर्च किया जाए, कितनी बार उसका टेस्ट किया जाए और उसका रिजल्ट सेम आए, बार बार वही रिजल्ट आए, तो इसका मतलब होता है कि वो विश्वसनीय है किसी भी तरीके से उसको टेस्ट किया जाए। और नेक्स्ट हमारा आता है, इसमें मैंने आपको पता इसके पहले मैंने आपको बताया है इसके कई प्रकार के होते हैं रिलायबिलिटी में, टेस्ट, रीटेस्ट, पैरेलल मेथड, स्प्लिट हॉप मेथड, इन सब तरीकों से है रिलायबिलिटी का हम चेक करते हैं। यानी रिसर्च में रिलायबिलिटी को चेक करने के लिए ये टेस्ट, रीटेस्ट, पैरेलल, स्प्लिट हॉप ये सारे मेथड का उपयोग करते हैं। इसमें आप पार्ट वन में जाकर के यानी रिलायबिलिटी एबिलिटी एक मैंने और वीडियो बनाया है इसके पहले, उसमें आप जाकर के देख सकते हैं। अब आपका आता है वैलिडिटी जिसको हम हिंदी में वैधता कहते हैं। अब देखिए जो वैधता होता है, ये जो वैधता एक इंस्ट्रूमेंट होता है, वैलिडिटी क्या होती है? इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको मेजर मतलब उसको मापन करने के लिए उपयोग किया जाता है कि वो चीज जिस चीज के लिए वो बनाया गया है वो कितना उस पर खरा उतर रहा है, कितना वो वैध है, कितना अच्छे तरीके से किया गया है इसको जानने के लिए वैधता का प्रयोग किया जाता है। यानी जो जिस चीज के लिए मापन करता हो, जो जिस चीज के लिए बनाया गया है वो वाकई उसको सही तरीके से उसको मापन कर रहा है कि नहीं कर रहा है इसको जानने के लिए वैलिडिटी का प्रयोग यानी वैधता का प्रयोग करते हैं। अब इसमें है कि वैन टेस्ट, और वो टेस्ट तभी वैलिड माना जाएगा जब वो टेस्ट उस चीज के लिए जिस चीज के लिए बनाया गया है वो उसका मापन करता हो। जैसे मीटर, लीटर, सेंटीमीटर ये मापन की है, इनका मापन करने के लिए प्रयोग करते हैं। और उसी तरीके से और भी टूल्स टेक्निक्स हैं जो जिस चीज के लिए गए हैं उसी चीज को मापन करते हैं और अन्य चीज को मापन नहीं करते हैं। अब जैसे हम मीटर को, मीटर से हम लीटर वाली चीजें मापें तो वो वैलिड नहीं है। और उसी तरीके से और भी जो मापन के तरीके हैं, किलोग्राम को हम लीटर में मापें तो ये वैलिड नहीं। तो कहने का मतलब है जो जिस चीज के लिए बनाया गया हो वो उस चीज को मापे और वो मापे कैसे, ट्रूली यानी सही हो, एक्यूरेट हो, यानी वो मापने के लिए सही होना चाहिए और एक्यूरेट होना चाहिए। अब नेक्स्ट हमारा है, उसी तरह शोध में भी वैधता का प्रयोग करते हैं। अब देखिए शोध में मैंने अभी आपको बताया कि शोध में वैधता यानी हमने जो रिसर्च किया है वो हमारा कितना वैलिड है, कितना हमने सही सही तरीके से शोध किया है इसको जानने के लिए वैलिडिटी का प्रयोग करते हैं। अब देखिए वैलिडिटी के कई प्रकार होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल वैलिडिटी, और उसके बाद है टेस्ट वैलिडिटी। जो टेस्ट वैलिडिटी होती है वो तीन प्रकार की होती है, कंस्ट्रक्ट, कंटेंट और क्राइटेरियन। अब देखिए जो टेस्ट वैलिडिटी होती है यानी टेस्ट लिया जाता है वैलिडिटी का, इसमें तीन तरीके से उसका मापन करते हैं, तीन तरीके से उसका मूल्यांकन करते हैं कि इन तीनों पर वो खरा उतरना चाहिए तभी उसको वैलिड माना जाएगा। अब देखिए जो इंटरनल वैलिडिटी होती है इसमें क्या है, इमोशनल रूप से जो एक्सटर्नल वैलिडिटी होती है यह हमारा किसे प्रयोग करते हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में इसका प्रयोग किया जाता है और इसमें कॉज और इफेक्ट यानी कारण और प्रभाव इसमें जानने के लिए इसमें वेरिएबल्स का प्रयोग करते हैं, स्वतंत्र चर और आश्रित चर। हमने आपके इसका एग्जांपल भी बताया था एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। स्वतंत्र चर क्या होते हैं, जिनका जिन वेरिएबल्स को जो रिसर्चर होता है मैनिपुलेट करता है, सेलेक्ट करता है उसमें से, और जो आश्रित चर होता है उसमें से उसको चूज करता है। तो कहने का मतलब इसे मैनिपुलेट और रिसर्चर के द्वारा उसको सेलेक्ट किए जाते हैं जिससे उसके प्रभाव को जाना जा सके। जैसे तंबाकू खाने से
मुंह का कैंसर होता है। तो तमाकू क्या है? स्वतंत्र चर है, और हमारा जो कैंसर है वो हमारा क्या है? आश्रित चर है। तो ये क्या है? तो इनको जानने के लिए जो है इंटरनल वैलिडिटी, यानी हमने जो वेरिएबल्स चूज किया है वो कितना सही है, कितना उसका सही तरीके से मापन कर रहा है, इसको जानने के लिए इंटरनल वैलिडिटी का प्रयोग करते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हमने जो स्वतंत्र चर और आश्रित चर लिया है वो सही ना हो, वो उसका सही तरीके से मापन ना कर रहा हो, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा, जो हमारा रिसर्च कंक्लूजन आएगा, वो भी सही नहीं आएगा। तो ये चीजें हैं। कहने का मतलब है इंटरनल वैलिडिटी में एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में इसका मुख्य रूप से प्रयोग करते हैं। इसमें वेरिएबल्स का को जानने के लिए, जो हमने वेरिएबल्स लिया है वो कितना वैलिड है, इसका पता लगाने के लिए इंटरनल वैलिडिटी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है, यहाँ पर है हमारा एक्सटर्नल वैलिडिटी। आप देखिए जो एक्सटर्नल वैलिडिटी होती है इसमें, अब यहाँ पर जो इंटरनल वैलिडिटी होती है इसमें हम जनरलाइज नहीं कर सकते हैं, और इसमें जो हमारा इंटरनल वैलिडिटी होती है इसमें सही सारी चीजें एग्जैक्ट होनी चाहिए, इतनी मात्रा में होनी चाहिए, इतनी क्वांटिटी में होना चाहिए, तभी उसका सही तरीके से रिजल्ट आ सकता है। जबकि इसमें एग्जैक्ट, यानी कह सकते हैं एग्जैक्ट क्वांटिटी ऐसा कुछ नहीं है। इसमें क्या होता है, इसमें जनरलाइजेशन करता है, कर सकते हैं रिसर्च, जो फाइंडिंग होता है, हमें जो रिसर्च का रिजल्ट मिलता है उसको जनरलाइजेशन किया जा सकता है। अब जनरलाइजेशन होता क्या है? देखिए जो जनरलाइजेशन होता है वो कहने का मतलब है कि कोई ऐसा शोध, यानी कोई ऐसी चीज जिस पर किया गया हो उसको पूरी जगह पर उसको अप्लाई किया जा सके, हर जगह पर उसको अप्लाई कर सकते हैं, हर जगह पर उसका उसी तरीके से शोध कर सकते हैं, उसको उस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं, यानी हर जगह पर वो जनरलाइज हो, सामान्य हो, इसीलिए उसको बोलते हैं जनरलाइजेशन की क्रिया। तो कहने का मतलब है जो एक्सटर्नल वैलिडिटी होती है वो जो जनरलाइज हमें जो रिजल्ट प्राप्त होता है उसका मापन करने के लिए एक्सटर्नल, जो हमारा एक्सटर्नल वैलिडिटी होती है उसका प्रयोग करते हैं। जैसे इसमें हमने पॉपुलेशन लिया, पॉपुलेशन टोटल है, उसमें से हमने सैम्पलिंग मेथड के द्वारा, यानी आपकी रैंडमाइज या आपकी जो सैम्पलिंग मेथड हमने बताया है उसमें से मेथड का उपयोग करते हैं, सैंपल को चूज किया है। अब उस सैंपल से जो रिजल्ट प्राप्त हुआ है, अब इसमें देखते हैं कि हमने जो रिजल्ट प्राप्त किया है वो हमारा कितना वैलिड है, यानी हमने जो सैंपल लिया है वो सैंपल की पूरी चीजों को रिप्रेजेंटेटिव कर रहा है कि नहीं कर रहा। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है कि ये पूरे पॉपुलेशन में जो जो लोग हैं वो उनसे संबंधित लोग, उसमें हमने जो सैंपल लिया है वो उसमें आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, इसको जानने के लिए करते हैं। सॉरी इसकी लाइट चली गई थी। और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसमें हमारा है कंटेंट वैलिडिटी। देखिए यहाँ पर हमने आप जो एक्सटर्नल वैलिडिटी बता रहे थे, इसमें जो हमारा पॉपुलेशन होती है उस पॉपुलेशन से जो हमने सैंपल लिया है, सैंपल से जो रिजल्ट आया है उसको जानने के लिए एक्सटर्नल वैलिडिटी का प्रयोग करते हैं। और इसमें हमारा जो रिजल्ट होता है इसमें देखते हैं कि हमने जो डाटा लिया है, जो हमने सैंपल लिया है वो पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं, प्रतिनिधित्व कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको जानने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे कि महिलाओं, शहरों में रहने वाली महिलाओं की शिक्षा का स्तर हमें जानना हो तो क्या करेंगे इसके लिए? तो महिलाओं जो गांव शहरों में रह रही हैं उनमें से हम चूज करते हैं। ऐसा नहीं है कि और जो शिक्षित लोग हैं उन्हीं को चूज करें, जो अशिक्षित है उनको छोड़ दें, या ऐसा नहीं है जो गरीब है उनको ले लें, जो अमीर है उनको छोड़ दें। इसमें आपको रैंडमली सिलेक्ट करना होगा। यदि आपने रैंडमली तरीके से सिलेक्ट किया होगा तो जो आपका सैंपल होगा वो भी सही होगा, जो आपका रिजल्ट आएगा वो भी सही होगा। लेकिन यदि आपने केवल गरीब गरीब लोगों को ले लिया या केवल आप अमीर अमीर को ले लिया तो आपका जो सैंपल प्राप्त होगा वो भी वैलिड नहीं होगा, और जो आपका रिजल्ट आएगा वो भी वैलिड नहीं होगा, और आपकी जो वैलिडिटी यदि चेक की जाएगी, यानी एक्सटर्नल रूप में आपकी चेक की जाएगी, तो भी क्या होगी, सही नहीं उतर पाएगी। तो इसको चेक करने के लिए आपने सही तरीके से सैंपल का चुनाव किया है कि नहीं किया है, इसको जानने के लिए एक्सटर्नल वैलिडिटी का प्रयोग करते हैं। अब आते हैं हमारा टेस्ट वैलिडिटी। अब देखिए जो टेस्ट वैलिडिटी होती है इसको जानने के लिए तीन तरीके से टेस्ट किए जाते हैं कि हमारा जो टेस्ट है हमारा वो वैलिड है कि नहीं है, हमने जो रिसर्च कर रहे हैं वो हमारा सही है कि नहीं है, इसको जानने के लिए तीन तरीके हैं। पहला है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, दूसरा कंटेंट, और तीसरा है हमारा क्राइटेरिया वैलिडिटी। अब देखिए कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है निर्माण करना, इस तरीके से हम जानते हैं। कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, निर्माण करना। अब देखिए इसमें कोई टूल या
टेस्ट का हम क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, कोई नई चीज हम बनाते हैं, टूल्स या टेक्निक्स को हम क्या करते हैं इसमें बनाते हैं। आप बनाते हैं, जैसे कोई पर्सनालिटी टेस्ट ले लिया, उसको बनाया, एप्टीट्यूड टेस्ट लिया लोगों को चेक करने के लिए, उनके एटीट्यूड को जानने के लिए, उनके एप्टीट्यूड को जानने के लिए चेक करते हैं। अब उसमें पर्सनालिटी को चेक करने के लिए एप्टीट्यूड एटीट्यूड टेस्ट को बनाते हैं। अब देखते हैं इससे संबंधित, यानी जब अब इसमें हम कंपेयर करते हैं कि जो इससे संबंधित कोई कोई टेस्ट अगर बना है उससे क्या रिजल्ट आया है, और जो हमने एप्टीट्यूड टेस्ट बनाया है उससे क्या रिजल्ट आ रहा है, अब दोनों में कंपेयर करते हैं। दोनों में क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। कंस्ट्रक्टिबिलिटी में जो भी टूल या टेस्ट लेते हैं उसमें एक नया बनाते हैं टूल टेस्ट को, और उस टूल टेस्ट को जो पहले से बना हुआ टेस्ट होता है उससे संबंधित, यानी पर्सनालिटी संबंधित हमने एक टेस्ट बनाया, उसके पहले एक टेस्ट बना था, अब दोनों उससे रिजल्ट लेते हैं जो आया पुराने वाले से, और नए वाले से रिजल्ट लेते हैं। अब दोनों में कंपेयर करते हैं, अब दोनों में कंपेयर करते हैं कि जो पुराने से क्या रिजल्ट आ रहा है और नए से क्या रिजल्ट आ रहा है, ये दोनों में सही है तो सही है, यदि हमारे दोनों में डिफरेंस है यानी हमारी जो वैलिडिटी है वो सही नहीं है। तो ये होती है हमारी कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। अब आते हैं कंटेंट वैलिडिटी, और हाँ इसमें क्या है, ये मोस्टली से कोई चीज एक्सप्लोरेटरी मेथड में मोस्टली से इसका प्रयोग करते हैं, कह सकते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में, और इससे जो रिजल्ट प्राप्त होता है वो क्वांटिटेटिव होता है। क्या होता है, क्वांटिटेटिव रिजल्ट प्राप्त करते हैं इससे, इससे कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी से। अब आते हैं हमारा कंटेंट। देखिए कंटेंट का मतलब कोई मैटर, कोई मटेरियल होता है उसे कंटेंट बोलते हैं। अब यहाँ पर जो कंटेंट वैलिडिटी होती है इसमें एक तरीके से कह सकते हैं विच द टेस्ट एक्चुअली मेजर, जैसे हम यहाँ पर कोई एग्जाम होता है, जैसे हम कोई एग्जाम या परीक्षा लेते हैं, अब परीक्षा लेने से पहले हमने क्या दिया, उस क्लास के बच्चों को सिलेबस दिया, उस क्लास के बच्चे का पूरा एक क्राइटेरिया दिया कि आपको इस क्लास में ये चीजें पढ़नी है और यही क्वेश्चन आपके आएंगे, यानी ये आपके क्राइटेरिया क्वेश्चन है या आंसर है, और ये चीजें आपको इस पूरे सिलेबस में पढ़ना है और इसमें से आपके क्वेश्चन आएंगे, और ये हमारा कंटेंट वैलिडिटी होती है। और फिर परीक्षा लेते हैं, और परीक्षा उसी का लेते जिस सब्जेक्ट का वो एग्जाम हो रहा है उसी से संबंधित क्वेश्चन पेपर होगा और उसी से संबंधित वो पेपर होगा। तो कहने का मतलब है जो चीजें जिस चीज के लिए बनाई गई हो वो चीजें उसी का टेस्ट कर रहा हो तो हमारी क्या होती है, कंटेंट वैलिडिटी होती है, यानी हमने जो कंटेंट लिया है वो वैलिड है कि नहीं है। पता लगा हिंदी का पेपर हो रहा है, हमने अंग्रेजी का पेपर दे दिया बच्चों को, और आपके साइंस का पेपर हो रहा था, हमने सोशल साइंस दे दिया, तो ये वैलिड है, नहीं वैलिड है। क्यों, क्योंकि वो उस चीज के मापन को नहीं करेगा, बच्चे उसमें पास नहीं होंगे, बच्चे उसको मतलब एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ना तो बच्चे उसको सही तरीके से कर पाएंगे। तो हमारी क्या होती है, कंटेंट वैलिडिटी होती है, जिसमें उसके जो कंटेंट होते हैं, सिलेबस होते हैं, और उसी के अनुसार उसको पढ़ाई की जाती है और उसी अनुसार उसकी परीक्षा ली जाती है। तो ये हमारे कंटेंट वैलिडिटी में आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्राइटेरिया वैलिडिटी होती है। क्राइटेरिया ने एक तरीके से हम क्राइटेरिया तैयार करते हैं, एक तरीके से एक क्राइटेरिया तैयार करते हैं जिसमें, और क्राइटेरिया को तैयार करने से पहले हम क्या करते हैं, पहले हम उसके बारे में जानते हैं, एक पहले से क्राइटेरिया उसके बारे में जानते हैं कि पहले क्या है, और उसी के अनुसार हम आगे की तैयारी और आगे की प्लानिंग करते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिया है जो क्राइटेरियन वैलिडिटी होती है वो मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, कॉन्करेंट वैलिडिटी होती है और प्रिडिक्टिव वैलिडिटी होती है। अब जो कॉन्करेंट वैलिडिटी होती है एक तरीके से किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी के स्टेटस को जानने के लिए, किसी व्यक्ति के स्टेटस को जानने के लिए, उसके व्यक्तित्व की स्टेटस, उसकी स्थिति क्या है, स्टेटस क्या है, उसका स्तर क्या है, इसको जानने के लिए जो है कॉन्करेंट, यानी इसको बोलते हैं समवर्ती वैधता को किसे के द्वारा चेक करते हैं। इसमें दो चीजें होती हैं, प्रिडिक्टर होती हैं और क्राइटेरियन होती है। प्रिडिक्टर क्या होता है, जो पहले से हम भविष्यवाणी करते हैं कि ये चीजें इसके मतलब उसके पास है और उसी से ही इसका आधार मानते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है, बच्चे जिस तरह से व्यवहार करते हैं उसी को दीवार करके हम बताते हैं कि इसके भविष्य ये होगा, यानी उसके क्राइटेरिया को देखते हैं और क्राइटेरिया को देख करके ही उसका क्या करते हैं, उसकी भविष्य में उसका क्या बन सकता है, भविष्य में क्या उसकी एक्टिविटी होगी, इसकी हम क्या कहते हैं, व्याख्या करते हैं। तो कहने का मतलब है कॉन्करेंट में किसी चीज के बारे में पहले जानकारी होती है, उसी के अनुसार उसकी क्राइटेरिया को बनाया जाता है। और प्रिडिक्टिव वैलिडिटी क्या होती है, ये कह सकते हैं एक रिपीटेड रिजल्ट को प्राप्त करने के लिए तभी हम जो है प्रिडिक्टिव वैलिडिटी का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कोई बच्चा है और वो किसी एग्जाम जैसे पास किया,
जैसे आपका 10 12 को पास किया, 12th क्लास को पास किया, 12 को पास करने के बाद उसको यूनिवर्सिटी में जाना है, तो उसके लिए बीटेक कर रहा है, जो भी कर रहा है उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। अब एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, अब उस इस एंट्रेंस एग्जाम को पास करके तब वो नेक्स्ट में जाएगा। तो उससे क्या होगा, अब नेक्स्ट में जाएगा और उसने फर्स्ट सेमेस्टर में अपने उसके एग्जाम को पास किया। अब उस फर्स्ट सेमेस्टर के जो एग्जाम को पास किया वो उसी के अनुसार नेक्स्ट में हम उसकी क्या कर सकते हैं, हिस्सेवारी कर सकते हैं कि इसका ये रिजल्ट फर्स्ट में आया है तो सेकंड में इसका क्या है, इसका ये रिजल्ट आ सकता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी उसकी ग्रेड होगा, कोई ए बी सी डी ग्रेड के अनुसार उसको हम नेक्स्ट में क्या कर सकते हैं, हिस्सेवारी कर सकते हैं कि इसका ये रिजल्ट इसमें आ सकता है। तो ये चीजें होती है हमारी क्राइटेरियन वैलिडिटी। तो ये मुख्य रूप से टेस्ट वैलिडिटी में तीन होते हैं, कॉन्स्ट्रक्ट, कंटेंट और क्राइटेरियन वैलिडिटी। तो आशा करती हूँ कि आपको वैलिडिटी समझ में आया होगा। तो यदि आया होगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और यदि मेरी पहली वीडियो आप देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना अवश्य कर लीजिए, निश्चित ही आपको इसमें मदद मिलेगी। धन्यवाद।